हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक कोरोजन के बारे में। इससे पहले हमने कोरोजन पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें। और हमने क्या कवर किया है, हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन, थ्योरीज ऑफ कोरोजन, जिसके अंदर हमने तीनों टाइप्स के थ्योरी, वेट थ्योरी, ड्राई थ्योरी एंड एसिड थ्योरी कवर कर ली है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में भी बात कर ली है और पासिविटी के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कोरोजन। तो टाइप ऑफ कोरोजन के में हमें क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ कोरोजन में हमें पढ़ना है गैल्वेनिक कोरोजन, कंसनट्रेशन सेल कोरोजन एंड पिटिंग कोरोजन। तो आज का जो वीडियो है वो गैल्वेनिक कोरोजन के ऊपर बेस्ड है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ये बात करना ज़रूरी है कि हम टाइप ऑफ कोरोजन पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब भी इंडस्ट्रीज में कोई भी मशीनरीज बनाई जाती हैं या फिर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जिसके अंदर मेटल का यूज़ होता है, तो हमारा मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि मेटल में जो कोरोजन रेट है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी टेक्निक्स नहीं अपनानी है, कौन सी टेक्निक्स को अवॉइड करना है, कौन सी टेक्निक्स को अपनाना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कोरोजन हमें ये बताता है कि आपको कौन कौन सी टेक्निक्स को अवॉइड करना है। मीन्स टाइप ऑफ कोरोजन हमें ये जानकारी देता है कि कोरोजन किस किस तरह से हो सकता है, हमारी किन किन गलतियों की वजह से कोरोजन हो सकता है। तो इसीलिए हमें टाइप ऑफ कोरोजन पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैल्वेनिक कोरोजन पढ़ने से पहले एक लाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं वापस आपको बताना चाहूँगा, वो है मेटल हाई इन द सीरीज आर मोर एनोडिक एंड अंडरगोज मोर कोरोजन देन द मेटल इन लो इट। इसका मतलब क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मेटल्स को सीरीज के अंदर अरेंज किया है, जिसके अंदर मेटल हायर पोजीशन पे जो है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और अंडरगोज मोर कोरोजन, ठीक है, उसका कोरोजन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लोअर इट। तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि जो मेटल हायर पोजीशन पे है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, उसका कोरोजन रेट ज़्यादा होगा, और जो मेटल लो पोजीशन पे है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा और उसमें जो कोरोजन रेट है वो कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गैल्वेनिक कोरोजन। व्हेन टू डिससिमिलर मेटल्स आर इमर्ज्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड फॉर्म अ गैल्वेनिक सेल। तो जब भी दो अलग अलग प्रकार के हम मेटल्स को इमर्ज कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वो किस एक सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसी सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तो सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब हम दो डिससिमिलर मेटल्स को कनेक्ट करेंगे तो जो मेटल सीरीज के अंदर हायर पोजीशन पे होगा वो एनोड बन जाएगा और बाकी जो मेटल लो पोजीशन पे होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इस तरह से एक सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसी सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। The metal higher in electrochemical series is become anode and tends to be attacked. ठीक है, तो वही बात आ गई कि electrochemical series के अंदर जो metal higher position पे होगा, जो भी हमने दो metal used किए हैं, तो उन दोनों metals में से जो metal higher होगा, higher position पे होगा, वो anode बन जाएगा और tends to be attacked, और उसके ऊपर अटैक्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ कोरोजन इज कॉल्ड गैल्वेनिक कोरोजन। तो इस तरह से जो कोरोजन होगा, इस अटैक की वजह से जो कोरोजन होगा, उसी को हम गैल्वेनिक कोरोजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेटल हायर इन द सीरीज डिजोल्व एंड इलेक्ट्रोकेमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और मेटल एलिमेंट डिपॉजिट एट कैथोड। तो जो भी मेटल एनोड बना है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और मेटल, और उस जितना एनोड डिजोल्व हो रहा है उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट में हाइड्रोजन और मेटल आयन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे कहाँ पे, कैथोड के। ठीक है, तो व्हेन द मेटल एट
एनोड गोज इनटू सॉल्यूशन फॉर्म आयंस. तो जब भी मेटल सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होगा वो क्या बना लेगा, आयंस बना लेगा. द इलेक्ट्रॉन लाइब्रेटेड फ्लो थ्राउट द इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज प्रोवाइडेड. तो जो भी इलेक्ट्रॉन लाइब्रेटेड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से. कौन सी इलेक्ट्रिक सर्किट से, जिस गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हुआ है. तो एक पोर्शन एनोड है, एक पोर्शन कैथोड है, तो यही इलेक्ट्रिक सर्किट से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयन. और जो भी आयन का पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. ठीक है, तो बेसिकली हम गैल्वेनिक सेल कोरोजन में क्या कहना चाहते हैं कि जब भी हम दो डिसिमिलर मेटल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक मेटल एनोड और एक मेटल कैथोड की तरह बिहेव करेगा और इन दोनों के बीच रिएक्शंस होगी, उसकी वजह से कोरोजन प्रोसेस आगे बढ़ेगा. बस यही है गैल्वेनिक कोरोजन. ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल देखना है. तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, व्हेन जिंक एंड कॉपर आर इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड फॉर्म गैल्वेनिक सेल. जब भी जिंक और कॉपर को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ऑफकोर्स क्योंकि दोनों डिसिमिलर मेटल है तो एक पोर्शन ऑफकोर्स एनोड बनेगा और एक पोर्शन ऑफकोर्स कैथोड बनेगा. तो इस तरह से गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा. जिंक इज बिकम एनोड एंड कॉपर बिहेव लाइक कैथोड थ्राउट देयर पोजिशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो जिंक और कॉपर की पोजीशन की वजह से जिंक का बिहेवियर कैसा होगा, एनोड. क्यों, क्योंकि जिंक हायर पोजीशन पे आता है इन कंपैरिजन टू कॉपर. ठीक है, तो जिंक किस तरह से बिहेव करने लग जाएगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा और कॉपर कैथोड की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा. सो जिंक अंडरगोज कोरोजन एंड कैथोड प्रोटेक्टेड. तो हमें पता है कि सबसे पहले कोरोजन किसका होना स्टार्ट होता है, एनोड का. तो जिंक का कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा और जो भी कैथोड है वो प्रोटेक्टेड रहेगा लेकिन थोड़े समय के. ठीक है, ये फिक्स नहीं कि कैथोड पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आगे और भी रिएक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से कैथोड भी कोरोड हो सकता है. ठीक है, एट कैथोड इन एसिडिक सॉल्यूशन कोरोजन टेक प्लेस बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कैथोड के ऊपर कोरोजन किस तरह से होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने पहले भी कवर कर रखा है. ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑक्सीजन ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म. तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन मैकेनिज्म से कैथोड का कोरोजन हो सकता है. तो ये हमने पढ़ा है कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन मैकेनिज्म क्या है. ठीक है, हमने शायद फर्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया है. द रेट ऑफ अटैक इज डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कैथोड एंड एनोड. तो ये जो टॉपिक है इस पर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है. द रेट ऑफ अटैक इज डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कैथोड एंड एनोड. तो जो भी कोरोजन का रेट है, कितनी तेजी से कोरोजन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कैथोड एंड एनोड. तो ठीक है, रेट ऑफ अटैक इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कैथोड अपॉन एरिया ऑफ एनोड. ठीक है, तो जितना एरिया ऑफ कैथोड है और जितना एरिया ऑफ एनोड है, अगर दोनों का डिविडेशन हो जाता है तो उतना रेट होगा कोरोजन का. तो मींस क्या है, अगर हमारा कैथोड बड़ा है, ठीक है, और एनोड छोटा है, तो रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, अगर एनोड हमारा बड़ा है तो रेट क्या होगा, कम होगा. यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी बिल्डिंग या फिर जो मशीनरी बन रही है मेटल से, उसका कोरोजन कम है, तो हमें एनोड को क्या रखना है, बड़ा रखना है, ताकि क्योंकि बड़ी संख्या से डिवाइड होगा तो ऑफकोर्स जो भी रेट आएगा वो कम होगा. तो हमें एनोड को बड़ा रखने की कोशिश करनी है. सो स्मॉल एनोड विल बी अटैक्ड फास्टर देन लार्ज एनोड. ठीक है, तो अगर हमारा एनोड लार्ज है तो वो कम रेट से कोरोजन करेगा, और अगर हमारा एनोड छोटा है तो कोरोजन का रेट बहुत ज़्यादा होगा. और भी एग्जांपल हैं, जिंक कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील. ठीक है, तो मतलब कोटिंग्स क्यों बता रहे हैं हम, जिंक कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील. तो इसमें कोटिंग क्यों बता रहे हैं, ताकि ऊपर की कुछ जो कोटिंग है ना,
जिंक, जिंक किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एनोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा और उसका ही कोरोजन ओनली फॉर होगा इसलिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं तो आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।